भगवान महाकाल के दरबार में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पूजा अर्चना की है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान महाकाल के दरबार में आज पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। यहाँ पर सतत पूजा अर्चना चल रही है और भगवान महाकाल के दरबार में ऐसा माना जाता है कि जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और 10 तारीख को परिणाम आना है। इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान महाकाल की शरण में आए हैं हमारे साथ पंडित संजय गुरु जी हैं। गुरु जी, आज जो पूजा अर्चना होती है तो इसका क्या महत्व माना गया? आज शिववास का, शिव की पूजन करने में शिववास का बहुत विशेष महत्व है। चूँकि आज छठ है, शुक्ल पक्ष की छठ है, तो आज जो शिववास है वर्षा आरूढ़ है, मतलब भगवान वृषभ के ऊपर बैठे हुए हैं और नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं, और आज वो भगवान शंकर का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान सब कार्य मनोकामना सिद्ध करते हैं, तो इसी उसके अंदर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने बीजेपी के अध्यक्ष आ रहे हैं। आज के दिन जो अभीष्ट फल है तो इसको चुनावी परिणाम से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि अगर कोई मन में प्रार्थना हो तो वो भी फलित होती है? जो भी भक्त भगवान के यहाँ पर आज के दिन जिस तरह की भी मनोकामना मांगता है और आके वो पूजन अर्चन करता है तो उसको वो फल की प्राप्ति होती है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। अच्छा, 10 तारीख जो 10 मार्च है, 10 मार्च को जो योग आने वाला है तो उससे आज का कोई जुड़ाव है उस योग से? भाई, उस योग से जुड़ाव ये है कि वो आज अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए आज भगवान महाकाल के दरबार में आ रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। भगवान महाकाल से उनकी जो भी मनोकामना होगी चुनाव से संबंधित या जो भी भक्तों की जो मनोकामना रहती है उस मनोकामना का वो भगवान से प्रार्थना करता है और उसकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसी शास्त्रों में वेदों में मान्यता है। आज जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ पर पूजा अर्चना की है, अभीष्ट योग में पूजा अर्चना हुई है और पंडे पुजारियों का दावा है कि जो पूजा अर्चना इस योग में होती है वो हमेशा फलित होती है। पंजाब ते पंजाबी दा परछावा, पंजाबी साडियां बावा, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते डाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नू आज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।